और कुछ इस तरह लगता है हमारा संडे मॉर्निंग। हेलो, बाय द वे हैप्पी संडे मॉर्निंग गाइस। जब तक आई थिंक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक तो मंडे मॉर्निंग या वेडनेसडे मॉर्निंग होगी अगर। सो हैप्पी मंडे मॉर्निंग और वेडनेसडे मॉर्निंग व्हेनेवर दिस वीडियो गेट्स अपलोडेड। सो बाय द वे व्हाई आर वी मेकिंग दिस व्लॉग, सबसे पहली चीज मेरे को आप लोगों को आज लोधा वर्ल्ड टावर्स लेकर जाना है क्योंकि मैं आज जा रही हूँ वहाँ पे। सो आई थॉट आई विल शोकेस यू गाइस एज वेल। इट्स वन ऑफ द टावर्स विच इज वर्ल्ड में हाईएस्ट रेजिडेंशियल टावर्स। उसका बेसिकली एक बिल्डिंग इज 118 फ्लोर्स, 118 माला। और जरा सा तो डिटेल्स विल गिव यू वंस आई रीच देयर। सो आई थॉट आई व्लॉग दिस थिंग एंड आल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे। सो या लेट्स गेट इनटू इट। सो आजकल मैं इस तरह नीचे बॉक्स रखकर काम कर रही हूँ लैपटॉप के, ताकि लैपटॉप आई लेवल पे रहे। इनफैक्ट बहुत लोगों को वैसा ही करना चाहिए बिकॉज मुझे ऑलरेडी नेक में स्प्रेन आ चुका है एंड इट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। लाइक अब जाके मुझे रियलाइज हो रहा है काश मैंने ये चीज़ पहले ही कर ली होती। सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डूइंग दिस मिस्टेक, प्लीज डोंट डू दैट। एंड प्रेजेंटली हम हमारा यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहे हैं बट पता नहीं फॉर सम रीजन मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है। इनफैक्ट लाइट भी अभी आई है फिर से, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि फिर से चल जाए। बाय द वे सो द वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग राइट नाउ, ऑफकोर्स जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये तो अपलोड हो चुका होगा। इट्स अ बैंड्रा हॉल वीडियो। सो ऑफकोर्स समर्स है एंड आई विजिटेड बैंड्रा शॉपिंग करने के लिए। तो आई ऑल्सो विजिटेड कोलाबा। वहाँ पे सिर्फ एक चीज अच्छी थी कि कोलाबा में मिनी सो खुल गया है। इट्स अ वेरी स्मॉल शॉप बट इट्स अ वेरी क्यूट शॉप दो। एंड उसके साथ साथ कोलाबा में और कुछ इतना ग्रेट नहीं है बट बैंड्रा में मुझे काफी अच्छी चीजें मिली। सो आई थॉट चलो यार इसी बहाने ब्लॉग भी हो जाएगा। इफ यू गेट टाइम यू कैन वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो। अभी तो मैं सिर्फ ये होप कर रही हूँ कि प्लीज जल्दी से चल जाए ताकि सब खाना खाने चले गए ऑलरेडी। सिर्फ मैं ही हूँ जो बात की। दिस इज हाउ माय संडे इज गोइंग। बेसिकली दिस इज हाउ एन इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर का संडे जाता है। ओके सो मेरा यूट्यूब तो चल नहीं रहा तो मैंने सोचा चलो खाना ही खा लेते इसी बहाने। बाय द वे ये छास है और ये मारवाड़ी घर का खाना खाना भी मैंने खा लिया है और यूट्यूब वीडियो भी अपलोड हो रहा है राइट नाउ। ये देखो तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने कल ऑलरेडी ये सेव करके रखा था पोस्ट यहाँ पे ड्राफ्ट में, तो मुझे डायरेक्टली अभी सिर्फ नेक्स्ट करना है एंड आई कैन जस्ट प्रेस द बटन शेयर। सो आज की ऑलमोस्ट सारे काम खत्म हो चुके हैं। इंस्टा अपलोड डन, यूट्यूब वीडियो इज डन। अब हम जाएंगे नीचे मंदिर में एंड देन थोड़ा सा टाइम पास करेंगे एंड देन वी लीव फॉर लोधा। A few moments later. Now it's 4 o'clock and अब जाके वीडियो अपलोड हुआ है। मेरे को 4 बजे तक लोधा पहुंचना था ऑलरेडी एंड इतना लेट हो चुका है कि अब मैं नहाने भी नहीं वाली हूँ, सिर्फ चाय पी के जल्दी जल्दी भागने वाले। So I don't really prefer applying foundation on a everyday basis. I am just done with my sunscreen. मुझे नहीं लगता है फाउंडेशन को लगाने में इतना टाइम लगता है, फिर उसको निकालने में और डबल टाइम, उसके बाद बिकॉज यू आर अप्लाइंग सच हैवी फाउंडेशन एंड एवरीथिंग वापस स्किन केयर रूटीन भी इतना सारा करो, बॉस इतना सारा नहीं होगा मुझसे। सो आई डोंट प्रेफर। यू कैन एक्चुअली यूज यू नो एनी सॉर्ट ऑफ बीबी क्रीम्स और सीसी क्रीम्स। आई यूज सनस्क्रीन एंड देन आई यूज माई पॉन्स BB cream. I think that's really more than enough. Or if you have spots or something, then it's better to just conceal it because concealer as it is aap pure face pe nahi lagate ho. So I think that much is more than enough. Okay, aaj ka gyan khatam. Finally puri ready ho chuki hu main. Naya bhi nahi hai, maine sirf kapde change kiye aur main bhag rahi hu literally. And you know what happened? इतने भागने भागने में आई कैरीड माई कैमरा। लिफ्ट में एंटर होने के बाद मुझे याद आता है उस शिट मैंने तो फोन लिया ही नहीं, लिटरली फॉरगॉट। तो मैं लिफ्ट से बाहर आई एंड देन व्हाट आई रियलाइज मेरे बैक पॉकेट में ही फोन था। मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये जब लेट हो रहे होगा ना तभी ऐसा कुछ होता है। ये हमारे एक टाइम के टेबल टेनिस चैंपियन और अब शादी करने के बाद से पेट लेके घूम रहे हैं सबके सब। थैंक यू। सो यहाँ से हमारा मेन एंट्रेंस चालू होता है और ये जो आपको पूरा पैसेज दिख रहा है बेसिकली इस पैसेज में आएंगे रेस्टोरेंट्स और एक दो शोरूम एंड दीज आर द 3 बिग टावर्स विच आर ऑल टुगेदर नोन एज वर्ल्ड टावर्स। ओके
ओके सो फिलहाल हम वर्ल्ड क्रेस्ट में हैं क्योंकि वर्ल्ड व्यू जिसमें हमारा घर है एंड वर्ल्ड वन अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है. हमें पोजेशन समवेयर अराउंड सितंबर नवंबर मिलेगा. अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ कि लोधा वर्ल्ड टास्क का सीन क्या है. सो यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स है. वन इज द 118 फ्लोर्स, दैट इज 118 फ्लोर्स. सेकेंड इज 80 फ्लोर्स एंड थर्ड इज 65 फ्लोर्स की कुछ तो भी है. जिसमें हमारा घर है दैट इज द 80th फ्लोर वाला बिल्डिंग. And generally यहाँ पे you are not really allowed to enter the building. I have no clue why is that so. But कुछ ज़्यादा ही security है. In fact हमें भी हर जगह thumbprint use करना पड़ता है to access any doors that we want. I was very excited to showcase you guys कि यहाँ पे exactly किधर क्या है. Because I'm sure बहुत सारे vlogs already लोगों ने बनाए हैं Lodha Towers को लेकर. But as you're not allowed to come inside, लोगों ने सिर्फ बाहर से ही बनाया. सो आई थॉट ये वीव गॉट अ चांस टू मेक इट फ्रॉम इनसाइड. सो आई शो केज यू अराउंड द एंटायर लोधा टावर्स टुडे. सबसे पहले यहाँ पे अभी हम इसलिए हैं क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है. प्रतिष्ठा इज द मंदिर का ओपनिंग होने वाला है. उसके लिए आज सब डांस की रिहर्सल. दिस इज द एरियल रूम जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है. प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जय जितेंद्र. सो दिस इज आवर जिम एरिया. लेट मी टेक यू टू द एंटायर एरिया. ओके सो प्रोबेबली आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट जिम दैट आई हैव एवर लिव्ड इन एनी सोसाइटी हैड. एंड इट्स सुपर कूल. या आई मीन आई रियली लव द जिम एरिया. What's your name? My name is Kyoda. Your name is Kyoda. Okay, so you're gonna show me around. सो यहाँ पे आप जो भी सर्विसेज लेते हो, फॉर एग्जांपल फेशियल, हेयर मास्क, हेयर स्पा एक्सेट्रा, इस टेबल पे जितनी भी चीज़ें पड़ी है उससे तभी का तभी इसके इंग्रेडिएंट्स बनाए जाते हैं. वर्ल्ड टास्क का आइडिया क्या है पता है? कि हर हर दुनिया के कोनों से बेस्ट चीज़ लाना इस टावर में. सो द स्पा इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. या राइट. यस. सो नाउ वील गो टू द P6. हम P5 पे थे अभी. ओके सो अभी हम हैं बॉल रूम एरिया में. यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? अगर आप आउटसाइडर हो और अगर आप लिफ्ट में कैसे भी घुस गए बिल्डिंग के अंदर तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, लिफ्ट से बाहर निकलते यू नीड अ थंब प्रिंट टू ओपन द डोर. सो अदरवाइज यू कांट गो एनीवेयर. तो आफ्टर दिस प्ले एरिया अब हम चलते हैं पूल की तरफ. ये है हमारा आउटडोर पूल. इतना मज़ा आ रहा है, इतनी खुशी मिल रही है ना आप लोगों को बता के ये सब कुछ. ये पैसेज हमें टेम्परेचर कंट्रोल पूल की तरफ लेकर जाता है. सो नॉर्मल स्विमिंग पूल का पानी क्लाइमेट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, बट टेम्परेचर कंट्रोल पूल का पानी हमेशा पूरे साल के लिए मेंटेन किया जाता है कुछ 28 डिग्री सेल्सियस पे. थैंक यू. गुड इवनिंग. ओके सो दिस यू कैन सी इज आवर बास्केटबॉल कोर्ट. हाँ, वी कैन प्रोबेबली हैव अ मैच हियर. क्या बोलते हो? एंड दिस इज आवर वॉलीबॉल कोर्ट. देन वी हैव द चिल्ड्रंस एरिया. कम ऑन गो. ओके सो मैंने अब आपको कोर्ट्स तो दिखा दिए है, अब मैं आपको थोड़ी इंडोर गेम्स भी दिखा देती हूँ. This room is again one of my favorite places. So this is the pool area. I mean, of course, if you follow me on Insta, I'm sure you know how much I love pool. Let's begin. So this is the kids area. It's very colorful. काश हमारे टाइम पे भी ये सब कुछ होता. हम तो क्या खेलते हुए बड़े हुए. दैट आई डोंट वांट टू से इट आल्सो, फॉरगेट इट. गिल्ली डंडा एंड अ लॉट ऑफ गेम. हाय क्यूटी.
जब आप अकेले होते हो तब आप ये सारी हरकतें करते हो. तो दिस इज वॉट अ थिएटर रूम लुक्स लाइक. बेसिकली ये सिर्फ 40 लोगों के लिए ही है, बट इट्स प्रिटी ओके बिकॉज एज इट इज यहाँ पे आई एम श्योर ज्यादा लोग नहीं आएंगे. This is basically our indoor game area. And niche we have the basketball and the badminton. So this is what my library looks like. Let me show it to you. Now we are gonna go to the cafe area. Hello. I'm sorry. But why? Why? You have to answer my viewers. Why photography is not allowed when I'm staying in the society? Okay, you are staying in the society. Of course. Then why do you think I'm hanging around with the camera and nobody's stopping me? जैसे मैंने कहा था आप लोगों को यहाँ के rules कुछ ज़्यादा ही strict हैं, so ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप बिना पूछे अंदर आओगे तो. हाँ. फाइनली तो आप लोगों को दिखाते दिखाते हम काफ़ी थक गए थे, तो हमने सोचा हम थोड़ा बैठ के खा लेते हैं. एंड अच्छा अभी तक सिर्फ फोक आया है, मुझे लगा खाना आ गया. आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, लाइक ऑलमोस्ट दिन ढल चुका है. एंड मुझे यहाँ की लॉबीज ना एकदम होटल फील देती है, फॉर सम रीज़न आई रियली डोंट नो. लाइक आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है. ये हम आ गए मंदिर की तरफ. वाह, मेरी परछाई दिख रही है कैमरा. व्लॉगिंग स्किल्स. जनरली जैन टेम्पल्स के अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, बट क्योंकि ये अभी तक बना नहीं है, सो आई थॉट टू कम योर राइट अवे सो दैट आई कैन शोकेस यू एक्चुअली अंदर से. जो ये वाइट कपड़े में आप लोगों को दिख रहे हैं वो सब मारा साहब है, और वही ये मूर्तियों का सेटअप करवा रहे हैं फिलहाल. सो बेसिकली मूर्तियाँ आर इन मेकिंग राइट नाउ एंड द टेंपल प्रतिष्ठा इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट टू डेज. सो दैट्स इट गाइज. आई होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग, एंड इफ यू डिड देन डू नॉट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. ओ बाय द वे, दीज आर द रेस्टोरेंट्स दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन द मॉर्निंग, जो बिल्डिंग के अंदर ही आते हैं. एंड आई ऑल्सो कीप अपडेटिंग सच स्टफ्स ऑन माई इंस्टाग्राम, लाइक अ लॉट मोर ऑन माई स्टोरीज, सो डू फॉलो मी देयर. एंड या दैट्स इट. आई होप यू गाइज लाइक सच व्लॉग्स. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.